सब्सक्राइब करें साइंस विद वीएस चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिलते रहें साइंस और मैथ्स के सुपर वीडियोस

वो रियल आ रहे हैं इक्वल uh, आ रहे हैं अनइक्वल आ रहे हैं उससे हम लोग कोई लेना देना नहीं है बस एक कंडीशन गिवन है कि रियल आ रहे हैं तो अभी आप बोलिएगा सर जोर से कि रियल कब कब आते थे जब डी इज ग्रेटर देन जीरो होता था या डी इज इक्वल टू जीरो होता था है ना दोनों कंडीशन में हमारे जो रूट्स आते थे वो हमेशा क्या आते थे सर रियल आते थे इक्वल आते थे उससे हमको कोई मतलब ही नहीं है ठीक है तो सर एक कंडीशन बनाना है दोनों को मिला के तो जैसे हम लोगों ने पहले बनाया था दोनों को कंबाइन कर दीजिए डी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो हमारा ओनली एंड ओनली रियल रूट का कंडीशन बन गया ठीक है इसमें इक्वल वगैरह से कोई मतलब ही नहीं है सिर्फ रियल रूट का कंडीशन हमारा क्या बन गया कि डी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होना चाहिए ठीक है हाँ अब देखिए सॉल्व करते हैं सर दो इक्वेशंस है दोनों इक्वेशन को आपको लिख लेना है इक्वेशन वन इक्वेशन टू करके या फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन करके कोई दिक्कत नहीं है और दो केसेस इसमें बनेंगे क्यों क्योंकि पहले हमको इस इक्वेशन का रूट निकालना होगा मतलब पता करना होगा कि इस इक्वेशन के रूट है वो क्या है मतलब ग्रेटर देन आ रहा है कि इक्वल टू आ रहा है वैसे करके ठीक है तो चलिए केस वन पे चलते हैं पहले केस वन <laughs> लिखना है कि फॉर रियल रूट्स हमारे पास क्या होने चाहिए रियल रूट्स के लिए d इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होने चाहिए क्योंकि सिर्फ रियल रूट्स की बात कर रहा है इक्वल और अनईक्वल की बात करता है तो अलग कंडीशन आते हैं ये हमेशा याद रखना है अपने को ठीक है अगर आपको इन सब में डाउट्स आ रहे हैं तो हमारा 20-25 मिनट का 10-20 मिनट का 20 मिनट का ये वीडियो है मैंने खुद से इन्हीं हाथों से बनाया उसको सर कॉर्डरी क्वेश्चन पूरा समझाया हुआ है क्लास टेन का वो आप जाके देख सकते हैं इंटर वाली वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा ठीक है हाँ देख लीजिएगा तो ये सब बहुत आसान लगेगा आपको मतलब ये सारी चीजें बहुत ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएंगी आपको अब देखिए डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो डी का वैल्यू निकालिए इसमें सर डी का फॉर्मूला पुट कर दिए कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए बी स्क्वायर बी क्या है आपका टू बी आपका बी है तो टू बी का होल स्क्वायर हो जाएगा सर माइनस फोर इंटू ए आपका क्या है ए आपका ए ही है सर और सी आपका सी ही है ठीक है हा सर आपको ये जो आ, आ, क्या इक्वेशन गिवन है, है ना उसको आपको लिखना है गिवन में इक्वेशन लिखना है ठीक है आप ए बी सी का वैल्यू भी लिख सकते हैं कि सर गिवन ही है कि ए का वैल्यू ये है बी का ये है सी का ये है उसके बाद डी का वैल्यू ये हो जाएगा अपना ठीक है अब इसका स्क्वायर कीजिए तो टू का स्क्वायर क्या होता है सर टू का स्क्वायर हो जाएगा आपका फोर बी का स्क्वायर हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो माइनस में प्लस में तो फोर बी स्क्वायर इज ग्रेटर दैन इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलिए ना सर हो जाएगा आपका फोर ए सी ये आपका फोर यह आपका फोर कैंसिल आउट हो गया आपके पास बचा बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए सी ये आपका फर्स्ट क्या आ गया सर फर्स्ट निकल के आ गया इसी से हम लोग प्रूफ करेंगे ये अभी देखिए कैसे प्रूफ कर, होता है ये आ गया आपका फर्स्ट केस का सॉल्यूशन सेकंड केस दे, देखते हैं केस टू अब केस टू की बात करें तो फिर से हमारा वही होगा जो पहले हुआ था फॉर रियल रूट्स वी मस्ट हैव क्या होना चाहिए हमारे पास डी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होना चाहिए सर ठीक है हां अब देखिए अब हमारे पास क्या बचा अब हमारे पास ये वाला इक्वेशन बचा तो फिर सर डी का डी का वैल्यू पुट कीजिए बी स्क्र माइनस ए सी फोर ए सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो यानी कि टू रूट अंडर माइनस टू रूट अंडर ए सी का होल स्क्वायर कर दीजिए माइनस फोर इन टू ए आपका क्या है आपका बी गिवन है इन टू सी आपका क्या है सी आपका बी गिवन है ठीक है Is than or equal to ये किसको इसे समझ में आया सर समझने वाला कुछ था क्या इसमें कुछ है समझने वाला नहीं कुछ नहीं है सर बस जो आप वैल्यूज uh, है, है, अब अब है प्लस फोर है ना तो फ, प्लस फोर हो गया ये स्क्वायर इसका रूट रूट और स्क्वायर कट गया तो हमारे पास क्या बच गया सिंपल ए सी बच गया माइनस फोर बी इंटू बी बी स्क्वायर इज ग्रेटर टू जीरो प्लस में इधर के माइनस में फोर ए सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू फोर बी स्क्वायर फोर फोर आपका कट गया अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं इसको अच्छा पहले अच्छे से लिखते हैं ए सी इज ग्रेटर देन बी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू बी स्क्वायर और इसको हम लिख सकते हैं कि बी स्क्वायर इज स्मॉलर देन इक्वल टू एसी समझ में आया सर सेम ही है इसको उधर ले गए तो कंडीशन भी मतलब आपका वो भी तो पलटेगा ना इसमें भी तो वही है कि ए सी बड़ा है और या फिर बराबर है बी स्क्वायर के इसमें भी ए सी बड़ा है या बराबर है बी स्क्वायर के कुछ नहीं किए बस दोनों को सेम करने के लिए हम लोगों ने ऐसे लिखा ठीक है तो सर आपके दो केसेस जो आपने सॉल्व किया दोनों में आपका एक कंडीशन कॉमन आया क्या कॉमन आया सर वही क्या देयरफॉर बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी अब आप बोलिएगा सर ये आप कहां से लिख दिए सर एक बार बता तो दीजिए सर बी स्क्वायर यह हटा दीजिए ये ग्रेटर देन स्मॉलर देन छोड़ दीजिए बी स्क्र इज इक्वल टू ए सी आया सेकेंड डेंशन में फर्स्ट में भी देखिए बी स्क्वायर ये ग्रेटर देन छोड़ दीजिए इज इक्वल टू ए सी दोनों कंडीशन में आपका जो बी स्क्वायर है वो ए सी के बराबर है तो हम लोगों ने डायरेक्ट लिख दिया कि हैंड्स प्रूफ ठीक है हाँ तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री चलिए बढ़ता है आगे